गाइस, तो अब हम चलेंगे हैंड्स ऑन की तरफ, जहां पे हमारा एक स्लाइड शो आप लोगों के लिए तैयार है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्वेश्चन टाइप्स किस तरह के होते हैं और एक जेनरिक ओवरव्यू दूंगा क्वेश्चन टाइप्स को लेके कि किस किस्म के सवाल आपके पास आइल्स लिसनिंग के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइप्स की तरफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस स्ट्रेटजी की। मल्टीपल चॉइस आपने सीखा समझा कि मल्टीपल चॉइस क्या होता है। एक सवाल आता है, उस सवाल के जवाब में आपको दो से तीन या कभी कभार चार चॉइसेस तक दी जाती हैं। तो टू स्टार्ट विद, मल्टीपल चॉइस की स्ट्रेटजी हमारी क्या है, किस तरीके से हम मल्टीपल चॉइस के जवाब दे सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, तो चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमको सवालात दिए गए हैं एमसीक्यूज के, उसको उस वक्त जबकि हमें टाइम दिया जाएगा कि आप ये सवालात पढ़ सकते हैं, तो वो सवालात आप आराम से और सुकून से पढ़ेंगे और उनको पढ़ते हुए आप जो आपको उसमें कीवर्ड्स मिलेंगे आप उनको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि जब वो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करेंगे तो आपकी जवाबों को ढूंढने की, प्रेडिक्ट करने की जो स्पीड है वो स्पीड तेज हो जाएगी। कीवर्ड की कांस्टेंट प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, क्योंकि बाज दफा स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अगर शुरू में आप कीवर्ड समझने में भी गलती कर रहे हैं तो इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस कीवर्ड्स को डिटेक्ट करने में आपको आसानी होगी और आप इसको समझना शुरू कर देंगे। कीवर्ड्स में आप जितने अच्छे होते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको आपके बैंड्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन ऑफ आंसर्स आपके लिए आसान होती जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो ना के सिर्फ सवालों के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, बल्कि जो आपको दो से तीन या तीन से चार मल्टीपल जवाब दिए गए हैं उनके कीवर्ड्स को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, अगर आपने जो आपको टाइम दिया गया है सवालों को पढ़ने का, अगर आपके पास उन सवालों को पढ़ने के बाद टाइम कुछ बच गया है आपके पास, तो आप उन जवाब को भी पढ़ सकते हैं जो मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने रखी गई हैं, और उन जवाबात को पढ़कर उनके ऊपर भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। और जब आप एक दफा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर चुके हों तो आपने ये चीज जहन नशीन कर लेनी है कि जब ऑडियो चलेगी तो उस ऑडियो के अंदर आपने सिर्फ उस कीवर्ड के जवाब पर फोकस करना है। कैसे करेंगे एग्जैक्टली इसको, अभी हम जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो मैं इस बारे में आपको मजीद तफसील से बताऊंगा कि कीवर्ड की स्ट्रेटजी हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो टिप जो मैं आपको बारह रिपीट करता जा रहा हूं, बार बार दिया जा रहा हूं, क्योंकि आयल्स के अंदर ये होगा और ये बेइंतहा दफा होगा और ये हर दफा होगा, कि बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आंसर जो है आपका वो एग्जैक्टली वही होगा, उन्हीं अल्फाज में होगा जो जिस तरीके से आप ऑडियो सुन रहे हैं, बल्कि आंसर रिफ्रेज हुआ हुआ होगा, सिनोनिम यूज हुए हुए होंगे उसके अंदर। तो एक्सपेक्ट करें कि जो करेक्ट आंसर है वो सिनोनिम के साथ दिया गया होगा। जितनी अच्छी आपकी सिनोनिम रिकॉग्निशन होगी उतने अच्छे आप बैंड लेने के काबिल हो सकते हैं, उतने अच्छे आप अपने रिक्वायर्ड बैंड्स ले सकते हैं या उन रिक्वायर्ड बैंड्स को आप एक्सीड भी कर सकते हैं। एंड बी रेडी फॉर द ट्रिक, दैट इज के आइल्स मुख्तलिफ ट्रैप्स आपके सामने फेंकता जाएगा, मुख्तलिफ ट्रैप्स आपको देता जाएगा और वो ट्रैप्स आपने अबूर करने हैं। इन ट्रैप्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रैप्स आपके सामने आ सकते हैं, किन ट्रैप्स पर अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन ट्रैप्स की डिटेल भी आपको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे। मल्टीपल चॉइस की जो ट्रिक्स और ट्रैप्स नॉर्मली आपके सामने आएंगी, जो जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है
ऑन द IELTS लिसनिंग एग्जाम यू हैव टू बी रेडी टू ओवरकम द फॉलोइंग ट्रैप्स. ये ट्रैप्स जो है आपके पास आ सकते हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज और सेइंग मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स. कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहीं गए हैं और चार प्रोडक्ट मौजूद हैं तो चारों का जिक्र आ जाएगा. कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है वो मैं तफसीलात आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा. सेइंग ऑल आंसर्स, जिसमें आपको तमाम आंसर्स बता दिए जाएंगे और आपको चूज करना होगा कि एक्चुअल में किस आंसर को, कौन सा आंसर जो है वो सही आंसर है, कौन सा जवाब सही जवाब है. मल्टीपल चॉइस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उसकी एक टाइप ये है कि चूज टू लेटर्स फ्रॉम ए टू ई. इसमें से दो जवाब सही हैं जो आपको चूज करने हैं. विच टू फैसिलिटीज एट द लेजर क्लब हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड. तो इसमें आपको दो जवाब चूज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एक जिम चूज कर लिया, दूसरा आपने इंडोर पूल चूज कर लिया. डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या था और इसका असल जवाब क्या है. तो आपने अब यहां पर आप देखिए चूज टू लेटर्स ए टू ई लिखा हुआ है. इसका मतलब यह है कि आपने दो लेटर चूज करने हैं, एक भी चूज नहीं करना, आपने दो चूज करने हैं. यही वो बात है जिसका जिक्र मैंने पहले इस प्रिपरेशन के अंदर किया था कि जो आपको टास्क दिया गया है, जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत केयरफुली पढ़ना है. अगर आपने इस टू को मिस कर दिया और आपने एक लेटर चूज कर लिया, चाहे वो जवाब सही भी हो मगर उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो लेटर चूज करना है. तो आप ए और बी चूज करेंगे या डी और ई चूज करेंगे. तो डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज करना है, क्या सही जवाब है, मगर दो लेटर्स चूज करना है. ये मल्टीपल चॉइस का दूसरा तरीकेकार है कि 21 नंबर पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर एंटरिंग द डिजाइन कंपटीशन that have to A, B, C, तीन possible answers हैं. 22 में भी ऐसे ही है कि एक सवाल, एक statement लिखी हुई है और तीन possible answers हैं. तो उसमें से आपको एक जवाब चूज करना है. तो ये MCQ का टाइप टू, दो किस्म के जवाब हो गए. एक में आपको एक जवाब चूज करना है, एक में आपको दो जवाब चूज करना है. ये है टाइप नंबर थ्री. इस टाइप नंबर थ्री के अंदर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस मैचिंग, जिस तरह से बच्चों को हम कराते हैं, ये क्रॉस मैचिंग है. आपको ये चूज करना है कि कौन सी लाइन किस अल्फाबेट के जवाब से मैच कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज हुज वैल्यूज मैच दोज ऑफ देयर एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू, फॉर एग्जाम्पल डी गेट प्रमोशन. जो भी कॉन्टेक्स्ट था उस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज लिखी हुई है आपने वो यहां पे चूज कर ली. तो ये टाइप थ्री हो गया एमसीक्यू का. ये मजीद इसके दो आंसर्स हैं. यहां पे आगे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स सबसे आसान तरीन क्वेश्चन टाइप है बिकॉज हम ये बचपन से करते आ रहे हैं. आपके पास एक लाइन होगी, उस लाइन के अंदर एक ब्लैंक होगा, स्पेस होगी और उसका जवाब आपको ऑडियो में मिलेगा. वो जवाब आपको ऑडियो से एक्सट्रैक्ट करके यहां पर फिल करना है. ये भी फिल इन द ब्लैंक है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपका सवाल जो है आप ऑडियो में सुनेंगे, जवाब आपका यहां पे लिखा हुआ होगा. जैसे टेक केयर नॉट टू हार्म एनी. अच्छा, साथ में ये जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, नंबर्स का आपको ये ध्यान देना है कि नंबर्स क्या हैं. ये नंबर्स दरअसल क्वेश्चन नंबर्स हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 14. तो ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक टाइप्स है और ये भी सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है. कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स और अ नंबर फॉर ईच आंसर. आपको तीन अल्फाज से ज्यादा या एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं लिखना. अब ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको यहां पे ध्यान देना है कि नो मोर देन थ्री वर्ड्स, तीन अल्फाज से ज्यादा नहीं लिखना और अ नंबर. और का मतलब यह है कि या तो आप तीन अल्फाज, मैक्सिमम तीन अल्फाज लिखेंगे या एक नंबर लिखेंगे. आप तीन अल्फाज और एक नंबर भी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर तीन अल्फाज और एक नंबर भी लिखना होता आपको तो साथ में लिखा होता एंड, कि तीन अल्फाज भी लिखिए और एक नंबर भी लिखिए. ठीक है, तो आपने नो मोर देन थ्री वर्ड. नो मोर देन का मतलब हो गया कि आप एक जवाब, एक वर्ड भी लिख सकते हैं, दो वर्ड भी लिख सकते हैं और तीन वर्ड भी लिख सकते हैं.